द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमने कहां तक किया था वी डिस्कस टिल दिस पॉइंट जुडिशियल रिव्यू तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देख सकते हैं लेकिन यहां से जो हम शुरू करेंगे ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो समझ में नहीं आने वाला क्योंकि यहां से टॉपिक अलग है टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेगुलेशन बाय द लेस्लेचर तो पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड ठीक है तो कहां पर थे हम लेट मी जस्ट कनेक्ट ये यस yes. तो इस तरीके से आपको बुक में दिया हुआ है ठीक है लेकिन हम बिल्कुल बैकग्राउंड से बनाकर चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट को तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको समझते हैं डीडी बस वो ये एवेल्युएट करते हैं कि एक्चुअली वी गिव प्राइमेसी टू इंडिविजुअल राइट्स ये एक एटोमेस्टिक मॉडल से संबंधित है अब क्या है एटोमेस्टिक मॉडल देखिए जब भी हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं इसका मतलब होता है क्या कि हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि दे आर सर्टेन सर्टिन एंड राइट्स होते क्या है, है? मतलब यानी कि वो ऐसे आपके कुछ आपके हक हैं आपको लगता है जिनको लेजिटिमेट माना जाता है बाय सोसाइटी बाय लॉ मैंने सोसाइटी शब्द इसलिए यूज किया कि कन्वेंशनली जो राइट्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है ऐसे

शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन कि मेरा रिलीजन क्या है मेरा सेक्स क्या है या मेरी कास्ट क्या है रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ इसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तो मुझे बताइए ऑन एन एवरेज सोसाइटी इस बात को सही मानती है यानी कि मानती है कि भाई इसका क्लेम आपको मिलना चाहिए अगर आपके साथ भेदभाव होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए देर शुड बी सम एक्शन इन दिस रिगार्ड मानते हैं कि नहीं मानते अब इस बात को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स में भी डाला राइट तो यानी कि यहां पर मुझे बताइए जब आप क्लेम कर रहे हैं मेरे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तो आपको ही लग रहा कि यू आर बीइंग ट्रीटेड एज एन एटोम मतलब क्या हुआ कि भाई एज एन इंडिविजुअल भी आपको कुछ राइट दिए जा रहे हैं एक तो होता है सोसाइटी के राइट्स ठीक है जिसको हम ग्रुप राइट भी कहते हैं एक होता है इंडिविजुअल के राइट तो आपको पता लगा कि हमारे यहां जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें इंडिविजुअल राइट्स का जो कॉन्सेप्शन एक तरीके से एटोमिस्टिक व्यू ऑन मैन इससे कनेक्ट करता है

राजा के कहां से निकलते हैं ईश्वर के कॉन्सेप्ट से निकलते हैं तो मुझे बताइए कि आप राजा के खिलाफ जाएंगे क्या आप राजा के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि राजा खुद ईश्वर के द्वारा वहां पर बनाया गया है ये समझ लीजिए कि ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है मींस राजा के खिलाफ जाना ईश्वर के खिलाफ जाना तो एक ये, ये आइडिया इस वे से पॉपुलराइज किए जाते थे जिससे कि आप, आप मतलब रिवेलियन ना करें राइट और जो कॉन्सेप्शन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये माना जाता था कि नहीं इंडिविजुअल के राइट right की बात नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल की राइट की बात की जाने लगी तो ऐसा होगा कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा व्यक्ति कहेगा मेरा हक ये है और मुझे सोसाइटी से ये चाहिए सोसाइटी के साथ क्या होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तो यानी कि उस समय के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो इस तरीके से सोचते थे कि भाई अगर इसके इंडिविजुअल राइट right की हमने बात करनी स्टार्ट कर दी तो ये सोसाइटी से पहले अपने आप को मानेगा और अपने आप को मानने लग गया तो मुझे बताइए अगर सोसाइटी का नुकसान होगा इंडिविजुअल अपने आप को प्राइमेसी देगा तो अल्टीमेटली क्या सभी का नुकसान नहीं है भाई समाज का नुकसान तो सबका नुकसान तो इस वजह से वहां पर जो सोसाइटी है उसको प्राइमेसी दी जाती थी बिफोर इंडिविजुअल लेकिन ये इंडिविजुअल का जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न टाइम में पॉपुलर हुआ ठीक है मॉडर्न टाइम में क्यों पॉपुलर हुआ ये माना गया कि सोसाइटी को ऊपर दिखाकर कई बार इंडिविजुअल्स का एक्सप्लोटेशन भी हुआ है राइट कि भाई इंडिविजुअल राइट्स की तो परवाह नहीं करनी तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो सरकारें हैं उन्होंने शोषण किया है तो हमेशा देखिए अगर, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट पॉपुलर है

तो एक तो बात थी एक नंबर वन रीजन क्या था एक्सप्लेटेशन से बचाना था लोगों को एक्सप्लेटेशन से बचाएंगे तभी स्थिरता रहेगी क्योंकि जब ज्यादा हो जाता है तो फिर चाहे राजा हो लेकिन फिर रेबेलियन हो जाता है राइट right? अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो हमें स्टेबिलिटी रखनी है सोसाइटी में तो इस वजह से एक्सप्लेटेशन से बचाना एक रीजन था दूसरा रीजन ये था कि इससे जो है इंडिविजुअल विल बी एबल टू फुलफिल पोटेंशियल इट्स हिज हर पोटेंशियल और अगर एज ए इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल से काम करने लग गया तो मुझे बताइए हर इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल से काम करने लग गया तो सोसाइटी का भला होगा कि नहीं होगा कोई अच्छा राइटर बन सकता है कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट बन सकता है कोई अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है क्रिकेटर बन सकता है तो मतलब आप पर अगर लिमिटेशन लगा दी जाती कि भाई आपके अधिकार नहीं है सरकार के पास है पावर राइट right? वही आपके अच्छे भले के लिए बात करेगी तो हर किसी के पास अधिकार नहीं है ठीक है सोसाइटी के इंटरेस्ट क्या होंगे उस हिसाब से सोसाइटी को चलाया जाएगा ड्यूटीज पर जोर दिया जाएगा कर्तव्यों पर जोर दिया जाएगा अधिकारों पर नहीं लेकिन जब इंडिविजुअल राइट्स पर जोर दिया गया तो देखा गया अब पहले लोग जो जो वो काम नहीं कर पाते जो वो करना चाहते थे अब कर सकते हैं तो ऐसे में दे विल बी एबल टू देयर फुल पोटेंशियल तो समाज का ही भला होगा देश का ही भला होगा तो ऐसे में इंडिविजुअल राइट right का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा माना गया और इंडिविजुअल राइट right का हम फिर हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है अब एक और चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि जिसका जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो उसमें कुछ डेप्थ आपको डालनी चाहिए फंडामेंटल राइट right, ठीक है तो फंडामेंटल राइट right शब्द का तो मतलब यह है कि भाई ये फंडामेंटल है ठीक है आपको नहीं मिल रहे तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते यूजिंग आर्टिकल 32 टू राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव राइट्स कहा जाता है नेगेटिव राइट्स क्यों कहा जाता है भाई कुछ गलत हैं क्या बुरे हैं क्या नहीं यहाँ पर नेगेटिव शब्द का मतलब आम भाषा का नेगेटिव नहीं है यहाँ पर नेगेटिव राइट्स का मतलब ये है कि ऐसे में ये जो राइट्स हैं ये जो इंडिविजुअल को मिला राइट right है ये क्लेम कर रहा है स्टेट से स्टेट यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये क्लेम कर रहा है राइट right? और क्लेम करते हुए ये कह रहा है इसमें खास बात यह तब बनेगा नेगेटिव राइट ये कह रहा है स्टेट तुम्हारा ना ये लक्ष्मण रेखा है ये दायरा है इससे बाहर मत होना इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव राइट्स वो राइट्स होते हैं जो स्टेट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं दायरे लगाते हैं कि स्टेट उसके बाहर काम ना करे तभी ये इंडिविजुअल का राइट एंश्योर हो पाएगा एग्जांपल जहां भी आप ये भाषा देखें किसी भी राइट में स्टेट शल नॉट जैसे कि स्टेट शल नॉट डिस्क्रिमिनेट Uh, on the basis of or uh, only on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, state shall not कहा गया ना तो एक तरीके से क्या है नेगेटिव राइट right है तो जिस भी राइट right में ये कहा जाता है स्टेट shall नॉट यानी कि स्टेट ये नहीं करेगी जब स्टेट ये नहीं करेगी तभी जाकर आपको आपके राइट्स मिलेंगे तो उनको हम क्या कहते हैं नेगेटिव राइट्स कहते हैं क्लियर है बात और दूसरी बात ध्यान रखिएगा जैसे कि अगर दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव राइट्स का पॉजिटिव राइट्स का कॉन्सेप्ट हालांकि हमें फंडामेंटल राइट right में अब पॉजिटिव राइट right के भी एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं लेकिन जनरली पॉजिटिव राइट्स डी में रखे गए हैं यानी कि जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक यू कैन से राइट्स की बात होती है कि भाई ये आपके सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं ये तो तभी मिलेंगे जब स्टेट आपके लिए कुछ करेगा जैसे कि वेलफेयर पॉलिसीज बनाएगा तो आपको पता लगा कि वेलफेयर से संबंधित जो आपके राइट्स हैं मतलब जो आपको कल्याणकारी योजनाएं चाहिए अधिकार के तहत वो एक तरीके से क्या है पॉजिटिव राइट right है क्यों पॉजिटिव राइट right का मतलब, होता है मतलब shell, हम क्या कहते हैं पॉजिटिव राइट्स कहते हैं लेकिन राइट्स ही ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव केवल इस आधार पर डिवीजन है कि नेगेटिव राइट right में स्टेट लक्ष्मण रेखा इसके अंदर रहना ठीक है तुम्हें यह नहीं करना तुम बस ये मत करना तुम ये नहीं करोगे तभी जाकर इस व्यक्ति का उद्धार होगा दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट यू नो टू इट्स और हिज हर फुल पोटेंशियल बट वेन इट कम्स टू पॉजिटिव राइट स्टेट तुम्हें करना पड़ेगा भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा राइट एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं चलिए जैसे आर्टिकल ट्वेंटी वन ए मुझे बताइए आर्टिकल ट्वेंटी वन ए राइट टू एजुकेशन मुझे बताइए स्टेट पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कुछ ना करने के लिए या स्टेट को डायरेक्शन देता है कि स्टेट तुम्हें करना होगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो मुझे बताइए वो पॉजिटिव राइट right होगा कि नेगेटिव राइट right होगा कमेंट्स में बताइए आप क्लियर हुआ तो वो क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि डायरेक्शन दी गई लेकिन अगर हम सभी फंडामेंटल राइट्स को जाने जो कि हम फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अभी तो हम आउटस्टैंडिंग फीचर्स की बात कर रहे हैं तो वो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ओन एन एवरेज वो क्या है नेगेटिव राइट्स क्लियर बात आई थिंक ये ये बात क्लियर होगी आपको अब इसके आगे भी चलते हैं जरा थोड़ा अब डी डी वासु ने यह कहा गया है कि हमारे यहां जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आया तो यूएस से है लेकिन इसका स्टेटस अलग है दोबारा रिपीट करूं आया US से है लेकिन इसका स्टेटस अलग है इस बात को समझते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि हमने देखा इससे पहले यूपीएससी ने जीएस पेपर टू में क्वेश्चन पूछा राइट टू क्वालिटी का कंपेयर करने के लिए बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो कई बार बच्चों को लगता है कि यार यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएसट्यूशन पढ़ना पड़ेगा क्या हम तो सोच रहे थे केवल इंडिया के फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से क्वेश्चन आ जाएगा राइट है और जो लोग सोच रहे हैं केवल कुछ प्रोविजन रट लेंगे उनको तो दिक्कत ही होने वाली है लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए ऐसी दिक्कत क्योंकि आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए कंटेंट की मतलब क्या हुआ अब अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ही पढ़ना है जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है? नहीं वो इसलिए पूछा क्योंकि ऑलरेडी चर्चा में था ब्लैक लाइफ मैटर राइट आपने सुना होगा है कि नहीं तो उस टाइम पर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि यार ये यूएस में ब्लैक लाइव मैटर की बात चल रही है राइट right? अभी भी देख रहे हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और जबकि हमने यूएस के पास्ट में मार्टिन लुथर किंग जैसे लीडर्स देखे हैं सिविल राइट्स मूवमेंट देखी हैं हमने थर्टींथ अमेंडमेंट के बारे में सुना है जो अब्राहम लिंकन के टैनर में फेमस हुआ था उनके एफर्ट्स उसमें गए थे और कहा जाता है वो भी एक रीजन था उनके एसोसनेशन का क्योंकि एक तरफ नदर्न स्टेट्स थे जो मोर ओवर एग्री हो गए थे कि स्लेवरी को एब्लिश करेंगे एक सदर्न स्टेट्स थे जो एग्री नहीं हो रहे थे अब मुद्दे की बात यहां पर यह है कि आप जैसी चर्चा में सुने ना कुछ तो आपको उसको कनेक्ट करना है फ्रॉम कंटेक्स्ट ऑफ वट इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि भाई हमारे तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 राइट टू क्वालिटी की बात करते हैं रिगार्डिंग क्वालिटी की बात करते हैं और केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं इसके बाद कई सारे लॉज भी बनाए गए जो एक्चुअली सिविल राइट्स की बात करते हैं राइट एस सी एस टी पर एट्रोसिटीज होती है तो उसके खिलाफ वो पनिशेबल ऑफेंस है डिक्लेयर करते हैं राइट तो हमारे यहाँ तो एक कानून है तो यूएस में चल क्या रहा है और वो कंपेयर मतलब कहने का मतलब है वो क्वेश्चन जो था वो केवल ये देख रहा था कि भाई आपके अंदर वो क्यूरोसिटी है क्या कि जो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि एडिटोरियल्स में करंट में ऑलरेडी वो था ऐसा नहीं कोई आउट ऑफ द वे अब आप यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे राइट लेकिन जो करंट में चल रहा है उसको पॉलिटी के कंटेक्सट में आप तब समझ पाएंगे जब आप इंडियन पॉलिटी को रटते नहीं है केवल और केवल ये नहीं कि प्रोविजन प्रोविजन पढ़ लिया आपने जैसे लक्ष्मीकांत से पढ़ ली आप थोड़ा सा डेप्थ भी रखते हैं क्योंकि आजकल क्वेश्चन वो डेप्थ वाले आ रहे हैं राइट अल्टीमेटली ज्ञान हो गया और काम ना आया तो फिर फायदा क्या होगा राइट right? तो ज्ञान उतना चाहिए जितना इस एग्जाम की जरूरत है उससे ऊपर ऊपर रह गया केवल प्रोविजन का तो दिक्कत है ठीक है अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है तो अब अप्रोच समझ में आई आपको अगर कोई करंट डेवलपमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड तो उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एज वेल एज प्रिंसिपल के लेवल पर हमें एनालाइज करना है ध्यान रखिएगा प्रोविजन जैसे ब्लैक लाइफ मैटर वाली मूवमेंट थी तो प्रोविजन कौन सा चर्चा में था इक्वालिटी वाला राइट तो आपके दिमाग में आना चाहिए था कि हमारे यहां इक्वालिटी भी कौन सी तरह की वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है प्रियाम्बल में और से हमारे किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक सेगमेंट में वो आपसे पूछ लेगा इक्वालिटी इन व्हाट सेंस यानी कौन सी इक्वालिटी की बात की गई स्टेटस की इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी राइट और स्टेटस और जो अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात की गई है आ, से हमारे प्रयाम्बल में तो एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट किस किस जगह होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया ये तो हुआ प्रोविजन वाली नॉलेज ठीक है कि भाई क्या लिखा है प्याम्बल में वो वो एक वर्ड हो गया आइडिया हो गया फिलोसफी हो गई और वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस आर्टिकल में हम रिफ्लेक्शन देखते हैं ठीक है और अगर यूएस का चर्चा में है तो पता होना चाहिए ठीक है भाई यूएस इस बार क्वेश्चन आया था फ्रांस के इस बार, US से, इस बार आ, फ्रेंच से पूछ लिया तो मुझे बताइए अगर आप केवल रिलाय करेंगे नहीं मैं तो भाई लक्ष्मीकांत में प्रोविजन पढ़ के जाऊंगा इससे बाहर आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस मानूंगा नहीं नहीं आप पास सीमित समय आपके अप सही अप्रोच से आप

ब्लैक लाइफ मैटर चलेगा तो धैर्य सी बात आप सर्च करोगे ये अमेंडमेंट क्या आ रहा है एडिटोरियल में कि भाई अब्राहम लिंकन एफर्ट किया था लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, हो पाया गई तो आपके दिमाग में नीचे की जो कंसर्न थे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के या उसके बाद के जो राष्ट्रपति जो चर्चा में आए इन एफर्ट्स को लेकर उनके क्या उनके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के जो एफर्ट्स थे टूवर्ड्स इक्वालिटी क्या वो सेम एक ही तरह की इक्वालिटी की बात कर रहे थे या अलग अलग था जैसे कि अगर वहां पर वो रेशल इक्वालिटी की बात कर रहे थे तो इंडिया में कास्ट बेस्ड इक्वालिटी की बात रिलीजन बेस्ड इक्वालिटी की बात जेंडर बेस्ड इक्वालिटी की बात चल रही थी तो क्या हमारा और उनका कंसर्न एक था यानी जो प्रिंसिपल है जो सिद्धांत है इक्वालिटी का वो दायरे अलग अलग हो सकते हैं ना राइट तो उनके वो किस किस दायरे में और किस किस स्पेक्ट्रम में काम कर रहे थे और हम किस स्पेक्ट्रम में तो जब आप इस तरीके से रिलेट करके इंडियन पॉलिटी को समझने लगते हो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जिस पर आपके पास कुछ साउंड पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट सॉलिड वाले ना हो तो यानी कि बुक पढ़ते हुए भी वी नीड नॉट टू जस्ट बी ऑन बैकफुट चलो ठीक है ये पढ़ लिया स्टार्टिंग में ऐसा होगा लेकिन धीरे धीरे जब आप करंट से रिलेट करेंगे तो अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए प्रिंसिपल्स भी कि भाई क्वालिटी के मायने क्या क्या हैं उनके लिए क्या है हमारे लिए क्या है हमने ये क्यों अडॉप्ट किया उन्होंने वो क्यों अडॉप्ट किया अब जरा मैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात कर दू यहां पर दोनों के कंसर्न सेम थे जैसे कि हमने भी इंडिविजुअल को इक्वालिटी देने की बात की या फिर इंडिविजुअल राइट्स ब्रॉड सेंस में क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स में तो राइट रिगार्डिंग योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आता है टू मूव फ्रीली भी आता है टू फॉर्म एसोसिएशन एटसेट्रा आर्टिकल नाइनटीन में हम ये पढ़ेंगे तो ये सब आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं लेकिन अगर इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस हो जाएं किसी देश की इंटीग्रिटी के लिए तो मुझे बताइए फिर इंडिविजुअल राइट्स को हम ऊपर मान सकते हैं क्या इंटीग्रिटी हो जाए देश की सिक्योरिटी हो जाए तो आप मुझे बताइए फिर आपका इंडिविजुअल राइट right चलेगा क्या तो आप कहेंगे नहीं सर तब तो बिल्कुल नहीं चलेगा राइट right? आप कहने लगे कि सर मैं जो मर्जी मैं है, वो बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे आर्टिकल नाइनटीन सब क्लॉज सब क्लॉज ए ने यह अधिकार दिया है तो ऐसे में मैं आपको कहूंगा जरा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी देख लीजिए कारण क्योंकि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब होता है हर एक सिचुएशन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? है? है। वो वो क्या क्या का मतलब होता है का मतलब ये होता है कि देखो इफ सिचुएशन आर सच देन यू कैन एक्चुअली हैव योर फंडामेंटल राइट बट इफ सिचुएशन इज इन एक्सेप्शन केस देन योर फंडामेंटल राइट्स में बी टेकन अवे राइट चलिए यहां पर एक आपसे एक ट्रैप क्वेश्चन बनाकर पूछता हूँ मैं मेरी क्लासेस में हमेशा मैं ट्रैप क्वेश्चन का यूज करता हूँ आपसे पूछना चाहता हूँ कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको हम एक्चुअली एब्सोल्यूट इन नेचर मान सकते हैं आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको आप एब्सोल्यूट इन नेचर मान सकते हैं कि यार वो तो एब्सोल्यूट है मतलब हर एक कंडीशन में वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे उनको तो कोई छीन नहीं सकता ठीक है क्या ऐसे होते भी हैं अगर होते हैं तो बताइए जरा कौन से होते हैं ठीक है ऐसे यूपीएससी खेल सकती है आपके साथ राइट अब जरा इंडिविजुअल राइट और तो यानी कि एक बात तो हम क्लियर है क्वालिफाइड है तो इसका मतलब है जब भी देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी की बात आएगी तो इसको प्राइमेसी दी जाएगी और आपका जो ये फंडामेंटल राइट है चाहे वो इंडिविजुअल राइट मतलब फंडामेंटल राइट है उसको हम क्या कर देंगे सब्जुगेट कर देंगे कह देंगे अब नहीं मिलेगा यानी कि यहां पर स्टेट कैन इंटरवीन स्टेट कैन टेक अवे क्लियर है बात तो वहां पर आप यह नहीं कह सकते भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट right है इंटरवीन हो सकता है अब यूएस के केस में देखिए क्या हुआ यूएस के केस में उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बिल ऑफ राइट हम कहते हैं अधिकार तो दे दिए लेकिन जब भी बात आई नेशनल सिक्योरिटी की तो ऐसे में यूएस के केस में जुडिशरी ने इंटरवीन किया और डॉक्टर का इस्तेमाल किया कि अब जो है स्टेट एक तरीके से पुलिस स्टेट हो गई ठीक है इसका मतलब क्या होता है पुलिस स्टेट या पुलिस पावर ठीक है पुलिस स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जो पुलिस पावर का कर इस्तेमाल करते हैं है। मतलब है, है, इसका मतलब कैन एक्चुअली सब्जुगेट दैट इंडिविजुअल हु इज बिकमिंग थ्रेट टू दैट नेशन सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी तो यानी कि अब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस भी आ जाएगी एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस भी आ जाएगी ऐसे जिससे कि आपके उन अधिकारों को नीचे दबाया जा सके और नेशनल सिक्योरिटी को प्राइमेसी दी जा सके लेकिन यहां पर खास बात यह कि वहां पर यूएस के केस में जुडिशरी ये एक्चुअली करती है जुडिशरी करती आई है कि हाँ भाई आप ऐसा कानून बना लो आप ऐसा एग्जीक्यूटिव uh, एक्शन ले सकते हो तो एक्चुअली जुडिशरी इज एम्पावरिंग एग्जीक्यूटिव इन दीज एर क्लियर है लेकिन हमने यूएस की भूल से सीखा ठीक है और हमने क्या करा हमने का भी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो से, और इस से नहीं नहीं। हम जुडिशरी के भरोसे पर नहीं बैठेंगे कि जुडिशरी कहेगी चलो अब एक्सेप्शन केस है अब कर लो नहीं नहीं हमने विद इन कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हमने इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को मेंशन कर दिया तो आपको नहीं लगता यह अपने आप में एक आउटस्टैंड फीचर है जैसे कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज वन सब क्लॉज ए बी सी डी यहां पर हम पढ़ते हैं जो आपके राइट्स हैं रिगार्डिंग फ्रीडम लेकिन जब मैं सब क्लॉज टू सब क्लॉज थ्री इनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन की तो यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विद इन कॉन्स्टिट्यूशन हमने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बता दिए कि देखो ऐसा है अगर इंटीग्रिटी की बात हुई सिक्योरिटी की बात हुई पब्लिक मोरालिटी की बात हुई तो ऐसे में फिर मत कहना कि फंडामेंटल राइट right है हमारा कुछ फंडामेंटल राइट right नहीं होगा फिर आपका क्लियर है बात तो ये हमारे यहां पर इसी वजह से हमने ये बात कही देखिए फंडामेंटल सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बाई लेजिस्लेचर तो ये देखिए इस वाले पैरा में अब आप पढ़ेंगे डॉक्ट्रीन ऑफ पुलिस पावर लेकिन हमने क्या करा हमने विद इन कॉन्स्टिट्यूशन इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को मैंशन कर दिया है क्लियर है तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और जब हम फंडामेंटल राइट right में आर्टिकल 31 ए 31 बी 31 सी पढ़ते हैं ना जब मैं आपको बताऊंगा आप में से कई लोगों ने शायद देखा भी होगा कि भाई विद रिगार्ड टू से हमारी पुलिस फोर्सेस डिफेंस फोर्सेस तो क्या वो इस तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ uh, कर सकते हैं दे हैव दोज़ फंडामेंटल राइट जो कि नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन को होता है नहीं होता ना यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट का रोल की है राइट right? और क्यों माना क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी शुड बी गिवन प्राइमेसी तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी इस बात को यहां पर समझाया गया है राइट right? हमने बोरो किया यह फंडामेंटल का यूएस से लेकिन अभी अभी देखिए मैंने आपको बताया बोरो किया है लेकिन हमने अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई किया है उनके चैलेंजेस को देखकर भी मॉडिफाई किया है ठीक है तो सब्जेक्ट टू लेजिसलेटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है वो इस संबंध में कानून बना सकती है एक और एग्जांपल दूं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपके रिलीजन रिलीजन रिलेटेड राइट्स की हम बात करें ठीक है तो आप अभी जो सबरीमाला टेम्पल वाला जो इशू था उस समय पर अगर आपने पढ़ा हो तो केरला सरकार का अलग से उस संबंध में कानून ऑलरेडी था राइट तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन में भी जो लेजिस्लेचर होता है पार्लियामेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो भी अपना uh, किरदार निभाता है मीन्स

इंडिविजुअल्स के राइट्स अब इंडिविजुअल्स किस किस तरीके के हो सकते हैं आप कहेंगे सर सिटीजन होते हैं अच्छा क्या हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है या फिर फंडामेंटल राइट्स अदर देन सिटीजन भी किसी को मिल सकते हैं शायद आप में से कुछ लोग सोचें सर भारत का संविधान केवल भारतीयों के लिए तो देगा फंडामेंटल राइट्स और किसके लिए क्यों? नहीं देखिए इंडिया में रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं जो इंडिया के सिटीजन ना हो फॉर एग्जांपल फॉरेन नेशनल्स एंड दे आर डूइंग सम जॉब हियर वो किसी जॉब में एनरोल हैं यहां पर या फिर टूरिस्ट हैं तो कुछ फंडामेंटल राइट right तो उनको भी मिले हैं लेकिन क्या सारे फंडामेंटल राइट उनको वैसे ही मिले हैं जैसे कि बींगा इंडियन सिटीजन आपको मिले हैं नहीं अ डिफरेंस देर जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं अलग से ये सब टॉपिक आता है कि भाई कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को मिले और कौन से अदर पीपल को मिले हैं

ऐसे काम करेगी स्टेट ये राइट्स देगी राइट right? तभी आप अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करेंगे राइट right? तो कई जगह तो स्टेट केवल दायरे में दायरे में रहकर आपका भला करती है और कई बार स्टेट दायरे से बाहर आकर वेलफेयर एक्टिविटीज से आपकी कैपेबिलिटी को इंप्रूव करती है फॉर एग्जांपल एजुकेशन हेल्थ एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज जिससे कि आप अपने लाइफ में अदर अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कर पाते हैं तो कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में भी स्टेट का मेजर रोल है तो यानी कि आपके रिलेशन को बताती है तो एक तो होता है कि भाई स्टेट आपको इक्वालिटी की बात कर रही है से इक्वालिटी इन व्हाट सेंस पॉलिटिकल सेंस या लीगल सेंस हम कह सकते हैं राइट लीगल सेंस जैसे कि भाई आर्टिकल 15 कह रहा है स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट राइट right? तो कह दिया कि भाई देखो स्टेट का एक तो स्टेट इज नॉट गोइंग तो टू डिस्क्रिमिनेट चाहे आप कौन से धर्म से हैं जाति से हैं कौन से भी सेक्स से हैं कोई भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है ठीक है एक तो ये हो गया लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल स्टेट और इंडिविजुअल या स्टेट और सोसाइटी के बीच में इक्वालिटी वो इक्वालिटी इक्वल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट देगा केवल इसके बारे में बात की गई है या इनके आपस के बीच की भी इक्वालिटी की बात की गई है क्या यहां पर भी इक्वालिटी की बात की गई है क्योंकि यह है सोसाइटी तो एक तो है कि स्टेट और इंडिविजुअल के बीच की इक्वालिटी राइट right? एक है सोसाइटी में जो लोग हैं इनके बीच की इक्वालिटी तो इनके बीच में जो इक्वालिटी होनी चाहिए उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ले रहा है मतलब आपको ये प्रोविजन दे रहा है इसको हम कह रहे हैं सोशल इक्वालिटी आप कहेंगे ऐसा कैसे ऐसा इस वजह से जैसे कि आपका आर्टिकल सेवनटीन आर्टिकल सेवनटीन क्या कह रहा है आपका अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड तो मुझे बताइए अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड आपको नहीं लग रहा वो एक तरीके से इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बीच में जो इनक्वालिटी कुछ ट्रेडिशन कस्टम्स की वजह से हो गई थी उनको तोड़ने की बात करता है है कि नहीं तो यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट और इंडिविजुअल के बीच की इक्वालिटी नहीं इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बीच की इक्वालिटी सोसाइटी में इक्वालिटी की भी बात करता है और तो ऐसे में आर्टिकल 17 जो है क्या वो पनिशमेंट की बात करता है नहीं पनिशमेंट के संबंध में हमारी जो पार्लियामेंट है वो अलग से लॉ बना सकती है और ऐसे में पनिशमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है जो कि बाद में किए भी गए राइट right? तो एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज हो गया सिविल राइट्स के लिए लॉज आए तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर इंडिविजुअल इंडिविजुअल के बीच की भी आपकी इक्वालिटी की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है इसको हम सोशल इक्वालिटी यहां पर दे रहे हैं ठीक है नो सिटीजन इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट अच्छा ऐसे में एक और चीज हम ध्यान रख सकते हैं तो अनटचेबिलिटी एक एग्जाम्पल था जो यहां पर मैंने दिया हुआ है ठीक है आपको ये लगता है कि सोशल इक्वालिटी इस बात से ये जो आपके फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 18 है तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है तो अगर स्टेट किसी को अलग से टाइटल नहीं दे रही है राइट right? कि भाई आप टाइटल देने का मतलब है आप दूसरों से ऊपर हो गए हो तो एक तरीके से यहां पर स्पेशल प्रिविलेज स्टेट नहीं दे रही है फॉर सम इंडिविजुअल इन दोसाइटी तो जिससे कि जब स्टेट का रिलेशन है तो उसमें आप सब क्या है बराबर है तो ये जो भावना है सोशल इक्वालिटी की इट इज रिफ्लेक्टेड विद इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट टू इक्वालिटी एज वेल एज वेल एज अदर प्रोविजन जो आपके पोलिटिकल सोशल राइट की बात करते हैं राइट right? तो यह सोशल इक्वालिटी की बात है नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल राइट्स चेकमेटेड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं अलग से एक पार्ट लेकिन फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया इसका बैकग्राउंड ये था वैसे तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको अलग से जानेंगे लेकिन क्योंकि क्यों, आउटस्टैंडिंग फीचर क्यों है इसको जानते हैं देखिए इंदिरा गांधी जी से उनके जो साथ में एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि मैम डोंट यू थिंक वी हैव स्ट्रेस टू मच ऑन द राइट्स लेकिन अगर इंडिया की सोसाइटी का इवोल्यूशन देखें तो हम वेस्ट के कंसेप्ट को क्यों पॉपुलराइज कर रहे हैं कि राइट्स का कॉन्सेप्ट क्योंकि जो राइट्स का इंडिविजुअल राइट right का है वेस्ट वेस्ट से आया है ठीक है हमारे यहां जो ज्यादा स्ट्रेस होता था वो कर्तव्य पर होता था ड्यूटीज पर होता था ये माना जाता था कि हर एक व्यक्ति अपनी केवल ड्यूटी कर लेगा तो दूसरों के अधिकार तो सुनिश्चित हो ही जाएंगे भाई अगर हम ये ड्यूटी माने कि भाई वी हैव टू सर्व द डिप्रेस सेक्शन वी हैव टू ट्रीट इंडिविजुअल एज इक्वल आपका कर्तव्य बना दे राइट तो कर्तव्य बनाकर और उस पर ही कुछ बाइंडिंग स्टेटमेंट डाल दे तो मुझे बताइए जब आपका कर्तव्य ही है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है, तो आपको नहीं लग रहा दूसरे का जो इक्वालिटी वाला जो राइट है वो तो खुद मिल ही जाएगा अगर सोसाइटी में हर कोई अपनी ड्यूटी करने लग जाए तो मुझे बताइए जो राइट का कॉन्सेप्ट है वो तो राइट ऑलरेडी मिल ही जाएंगे लोगों को अगर हर कोई अपनी ड्यूटी करने लगे तो रेदर देन फोकसिंग ऑन राइट्स वी शुड फोकस ऑन ड्यूटीज ये एक आइडिया था लेकिन ऐसा नहीं इंदिरा गांधी जी कह रही थी ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी जी कह रही थी कि ठीक है हम राइट्स पर फोकस नहीं करेंगे ड्यूटीज पर करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम से चलना है राइट क्योंकि हमने देखा भी था पास्ट में कि देखो ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया दुनिया की कई जगह पर और ड्यूटीज के चक्कर में हुआ क्या स्टेट ने बहुत ज्यादा पावर अपने पास ले ली सरकार ने बहुत ज्यादा पावर अपने पास ले ली और इससे फिर अल्टीमेटली शोषण ही हुआ जनता का

हमारी प्रियम्बल का जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वही है वी द पीपल ऑफ इंडिया तो जब भारत के लोग खुद को ही ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई वो अपने कर्तव्य तो पूरे करेंगे ही क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को के हिसाब से चलना ये उनका कर्तव्य है इस कॉन्स्टिट्यूशन के स्प्रिट को आत्मसात करना राइट दैट इज दे ड्यूटी तो अलग से इसको पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है राइट right? लेकिन उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी ने टास्क दी सरदार स्वर्ण सिंह को कि जरा आप पढ़िए इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं तो उन्होंने जैसे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा अदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा इस हिसाब से फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दी हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह तो ये भी कह रहे थे इंदिरा गांधी जी आप ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो जोड़िए जोड़िए पार्ट फोर ए साथ में इसमें पनिशेबल भी बना दीजिए कि अगर ड्यूटीज ना की कर, करे कोई तो एक्चुअली उसको पनिशमेंट दिया जाएगा आप मेंशन करा दीजिए तो इंदिरा गांधी ने कहा सरदार जी ज़्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं है लेट्स एक्चुअली फाइंड अ मिडिल पाथ हियर राइट सो ऐसे में फंडामेंटल ड्यूटीज तो ऐड हुई फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन से फोर ए में डीपीएसपी के जस्ट नेक्स्ट पार्ट में लेकिन उन्हें एनफोर्सबल नहीं बनाया गया ठीक है लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसा नहीं है क्यों क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए उसमें पनिशमेंट भी क्लियर करने के लिए लॉ बना सकती है राइट right? अच्छा जैसे टू रेस्पेक्ट आर नेशनल सिंबल्स फॉर एग्जाम्पल इंडियन फ्लैग तिरंगा ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है क्या इसके लिए कोई कोड है जी हां फ्लैग कोड है जो बताता है आपको किस तरीके से यू हैव टू यू कैन से मेक यूज ऑफ आर और गिव रेस्पेक्ट टू आर तिरंगा राइट तो यानी कि यहाँ पर कानून बनाया जा सकता है नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये आउटस्टैंडिंग फीचर क्यों है देखिए कहा गया कि ये बहुत रेडिकल मूव था रेडिकल मूव क्यों क्योंकि अगर ब्रिटिश टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन को देखो तो वहां एजुकेशन प्रॉपर्टी तो इन आधार टैक्सेस इनके आधार पर आपको फ्रेंचाइज यानी कि वोट का अधिकार था तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उठाना कि देखो जब हम कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया गिवार तो हम सब भारत के लोगों को चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी का पार्ट बने और हम पॉपुलर सोवर्निटी के कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब है कि जो भी सरकार है वो जनता की जो पॉपुलर जनता के अंदर जो कंसेंसस है उसके आधार पर बनी है यानी कि जो भी पार्टी जो भी लीडर जो भी क्वालिशन पॉपुलर है जनता के अंदर वही तो एक्चुअली legit, वो तो लेजिटिमेसी रखता है कि वो सरकार बना ले तो ऐसे में जनता के बीच का मतलब जनता कौन क्या स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक टैक्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एजुकेशन वाले लोग नहीं सब भारत के लोग

तो अगर इलिटरेट हैं तो क्या सही में वो इस डेमोक्रेसी के महत्व का प्रयोग कर पाएंगे उसको समझ पाएंगे उसका प्रयोग कर पाएंगे लेकिन हम देखते हैं कि भारत में ये प्रयोग हुआ ठीक है हालांकि इस पर कहीं और आइडियाज़ भी आते हैं कि हमने यूनिवर्सल एल फ्रेंचाइज तो दिया भी लेकिन क्या सही में भारतीय वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज रखते हैं कि वो इस जिम्मेदारी को समझें या फिर हमें कुछ ऐसे एफर्ट्स इसमें करने पड़ेंगे वो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स वाला टॉपिक आता है आपका उसमें हम पढ़ते हैं कि कंपलसरी वोटिंग कर दी जाए यह जो वोट ना दे उसको कुछ टैक्स बेनिफिट स्पेसिफिकली ना दिए जाएं राइट सोशल स्नबिंग हो उनका नाम दिया जाए ठीक है कि इन लोगों ने वोट नहीं दी तो ऐसे कुछ आइडियाज आते हैं वो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स में आता है लेकिन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अपने आप में रेडिकल मूव था क्योंकि इलिटरेट जनता है लेकिन उसको हमने वो वैल्यू दी कि हाँ ये जिम्मेदार हैं अपने देश का भविष्य तय करने के लिए सो दैट इज वाई दिस हैपन्ड राइट और ध्यान रखिएगा किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं था एक्सेप्शन एससी एस टी और एक और एंग्लो इंडियन लेकिन हटा दिया गया है ठीक है? और जो रिजर्वेशन दिया गया था ये भी शुरुआत में दस सालों के लिए दिया गया था हालांकिचर क्लियर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट विद एन इलेक्टेड प्रेजिडेंट ये डिबेट थी कि भाई हम प्रेजिडेंशियल अपनाएं या पार्लियामेंट्री अपनाएं तो हमने देखा प्रेजिडेंशियल का फायदा तो ये है कि स्टेबिलिटी रहेगी ठीक है फायदा यह है कि ठीक है इलेक्टेड गवर्नमेंट है स्टेबिलिटी रहेगी और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन रहेगा तो सेपरेशन ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट जो मोन्टेस्क्यू नामक स्कॉलर ने पॉपुलराइज किया हाँ उसके ज्यादा हम करीब तब आ पाएंगे जब प्रेजिडेंशियल सिस्टम होगा लेकिन हमने ठाना कि नहीं हम उस मॉडल को अपनाएंगे जिसमें हमारे पास अनुभव भी था ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इस मॉडल का एक पार्ट इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे थे तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए

प्रेसिडेंट ऊपर रहेंगे जैसे कि ब्रिटेन में क्राउन लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास होगी प्राइम मिनिस्टर के पास होगी हो लेकिन तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर यहां पर आ जाएगा तो हमने स्टेबिलिटी का जो आइडिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम में उससे ज्यादा महत्व देना चाह रेस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया राइट जिससे कि एक्सप्लोटिव टेंडेंसी इमर्ज ना हो

कि जो जो बीच में ये वॉलीबॉल मैच टाइप चल रहा था ना कि प्रेसिडेंट के लिए एड एंड एडवाइस का मतलब कितनी बाध्यता है कितनी बाइंडिंगनेस है तो ऐसे में एक हाईएस्ट पॉइंट आया था इंदिरा गांधी जी के टाइम में उन्होंने तो कहा कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी गई है वो कंपलसरी है फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकिन बाद में फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मोरार देसाई की सरकार ही उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो यार एक बार कम से कम वो दोबारा आपको भेज सकते हैं उस मैटर को जिस पर प्रेजिडेंट को लगता है दैट यू शुड एक्चुअली कंसल्ट यू नो या डिस्कस अगेन तो ऐसे में उसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो लेकिन ये केवल एक बार यूज होती है मतलब आप एक बार वापस भेज मतलब सस्पेंसिव वीटो में जिस तरीके से जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको एब्सोल्यूट सस्पेंसिव पॉकेट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के क्वालिफाइड अभी आपकी जानकारी के लिए इतना होना चाहिए कि प्रेजिडेंट एक बार वापस कर सकते हैं हालांकि जब दोबारा वापस आए तो प्रेजिडेंट को साइन करने होंगे आप में से कुछ लोग सोचे सर ये तो गलत बात है अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और उस पर प्रेसिडेंट भी बाइंड है साइन करने के लिए हाँ करने के लिए बाइंड है तो क्या हुआ आप क्यों टेंशन ले रहे हो जुडिशरी बैठी है वहां पर राइट सुप्रीम कोर्ट वोड से केशवानंद भारती केस में क्या कहा था अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो क्या कर देंगे नल इनवाइड कर देंगे तो आप टेंशन ना लें फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स अब इसका बैकग्राउंड जानते हैं ये फेडरल सिस्टम का एक्चुअली जो आइडिया जब पॉपुलराइज हो रहा था आफ्टर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फाइव तो उस टाइम पर चर्चा ये थी कि भारत में दो तरह के स्टेट्स हैं एक है ब्रिटिश स्टेट्स, एक हैं स्टेट्स। स्टेट्स है इंडियन स्टेट स्टेट्स। ब्रिटिश स्टेट्स कहता हूं तो आपके दिमाग में आता है राजा, राज राइट? लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी प्रिंसली स्टेट्स एक ही तरह के थे ऐसा नहीं है किसी जगह पर मोनार्की होती थी तो किसी जगह पर एक्चुअली जागीरदारी थी यानी किसी पहले जो रूल था जैसे मुगल रूल था तो आपको इस एरिया में जागीरदार बना दिया गया फिर आपने और ज्यादा ऑटोनॉमी ले ली तो आप उसको अपने एक अलग से स्टेट की तरह रूल करने लग गए राइट तो यानी कि दर्जा अलग अलग था काम करने का तरीका भी अलग अलग था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइव में कहा गया कि चलो हम एक फेडरेशन का आइडिया पॉपुलराइज करते हैं फेडरेशन का मतलब होगा कि सभी जो स्टेट्स ब्रिटिशर्स के अंडर है वो तो आएंगी आएंगी जो गवर्नर्स एक्चुअली अलग से रूल करते थे ब्रिटिश गवर्नर्स और कुछ ऐसे स्टेट्स थी जो सेंट्रल होता था ब्रिटेन का वो डायरेक्टली रूल करता था और तीसरा था ये आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स को मौका दिया जाएगा कि भाई आप बनना चाहते हो पार्ट फेडरेशन का तो बन जाओ राइट तो जाहिर सी बात है अगर ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स थे और इनको कहा ऑफर दिया जा रहा है तो मुझे बताइए ज्यादा ऑटोनॉमी किसके पास होगी ऐसी फेडरेशन में ज्यादा ऑटोनॉमी किसके पास होगी स्टेट्स के पास होगी या फिर आपको लगता है ज्यादा पावर जो है विद रिगार्ड टू द अफेयर्स ऑफ दीज स्टेट्स एज वेल जो बाद में पार्ट बनेंगे वो सेंटर के पास होगी तो कॉमन सी बात है भाई जब ऑफर दे रहे हैं बनना हो बनो ना बनना हो ना बनो तो एक तरीके से वहां तो प्रिंसल स्टेट्स के पास बड़ा दर्जा होगा है कि नहीं तो ये मैंने आपको बताया दोनों पार्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव की बात है तो ऐसे में इनके पास ज़्यादा पावर हालांकि जब मैं प्रिंसल स्टेट्स की बात करता हूँ तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पैरामाउंट से जैसे कि हम सजेनेटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश क्राउन ने सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ पावर रखा हुआ था इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ कहा कि भाई इंटरनल मैटर्स में हम तुम्हारे इंटरव्यू नहीं करेंगे अंटेनलेस आपका मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ठीक है अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो, तो हम कर सकते हैं नहीं तो इंटरनल मैटर्स में हम इंटरव्यू नहीं करेंगे लेकिन जो आपके एक्सटर्नल मैटर्स हैं दे विल बी टेकन केयर ऑफ बाय ब्रिटिशर्स और जब मैंने इसके और डिटेल में पढ़ा है सीजन एड को अपार्ट फ्रॉम डीडी डी बासू अपार्ट फ्रॉम बी एल फाड़िया एंड तो मैंने ये चीज देखी कि स्टेटस जब मैं देखना चाह रहा था तो हर स्टेट का हर प्रिंसिपल स्टेट का सेम स्टेटस नहीं था राइट वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हैं कितना आपका एरिया है कितनी ज्यादा नीडफुल हैं आप ब्रिटेन के लिए तो इस आधार पर उन्होंने अलग अलग अरेंजमेंट इन प्रिंसि स्टेट्स के साथ किए हुए थे लेकिन जो कॉमन लिंक है वो ये है कि क्राउन इंटरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए आपसे ही नहीं संभाला जाए अपना राज्य लेकिन एक्सटर्नल मैटर्स में क्राउन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू राइट लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेवन आता है तो अब इनको ऑफर दिया जाता है कि हम पैरामाउंटसी को तो लैप्स कर रहे हैं ठीक है इस इंडियन पैर में तो ऐसे में आप अगर इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं इंडिया का जैसे पाकिस्तान का जो तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो रह जाइए लेकिन उसी टाइम पर जो बनी थी, प्लान के तहत उसने ये प्लान दिया था कि देखो प्रिंसली स्टेट्स भी अपने तो का, तो का जो आइडिया होगा वो कनेक्ट करेगा नाइनटीन वाले आइडिया से यानी कि ज्यादा पावर स्टेट्स को देनी है कि भाई स्टेट्स आप आ जाइए मिल जाइए इंडियन फेडरेशन का पार्ट बन जाइए तो स्टेट्स कहेंगे हम नहीं बनेंगे तो चलिए आप बन जाइए आपको ऑटोनोमी दे देंगे और जब इंडियन यूनियन की बात होगी इंडियन यूनियन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ डिफेंस कम्युनिकेशन फॉरेन अफेयर्स तो अगर केवल तीन एस्पेक्ट्स में इंडियन यूनियन मेजरली पावर रखेगी विद टू योर विदेक्टूर स्टेट इफ यू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन देन दैट्स अ गुड डील फॉर यू तो ये ऑफर इस तरीके से पेश करने की बात की गई थी कैबिनेट मिशन द्वारा लेकिन जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नाइन साइन होता है उससे पहले कॉन्स्टिटेंट असेंबली ऑलरेडी काम कर ही रही थी तो होम अफेयर्स का जो चार्ज दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात क्लियर कर देते हैं कि देखो कैबिनेट मिशन जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन हमने लिए लेकिन जो आइडिया फेडरेशन का इसको तो चेंज करना पड़ेगा अगर इंडिया को एक स्टेबल नेशन हमें रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी रखना है तो वी नीड टू एक्चुअली टेक इन टू कंसिडरेशन एक्सेप्शनल केसेसनिस्ट टेंडेंसीज विच कैन हब तो ऐसे में हमें स्ट्रांग सेंटर की जरूरत है तो कहा गया फिर यार ये प्रिंसली स्टेट्स कैसे पार्ट बनेंगी ये तो तभी बनेगी जब इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा वो हम पे छोड़ दो हम देखते हैं उसको कैसे डील करना है क्योंकि हर राज्य को अल्टीमेटली क्या चाहिए स्टेबिलिटी पॉलिटिकल फ्यूचर ऐसा हो जो स्टेबल हो प्रोस्परस हो और स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी कनेक्टेड और तभी आ सकता है जब एक सेंटर है वो स्ट्रॉग है हम लेजिस्लेटिव पावर का डिविजन करेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब इंडिपेंडेंट यूनिट क्योंकि आप खुद ही सोचिए करीब 600 मैं छोटे छोटे जागीरदारी को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं अगर सब कहने लगे कि नहीं हमारी यही बाउंड्री रहेगी नहीं हमारे पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर तो रहेगी और प्लस सेंटर तुम्हारे केवल फॉरेन अफेयर्स में डिफेंस में कम्युनिकेशन में इसमें डील कर सकते हो नहीं तो नहीं तो आप सोचिए कैसा नक्शा होता भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा तुम खुद ही सोचो अगर एक ब्रिटिश प्रोविंस है फॉर एग्जाम्पल मद्रास प्रोविंस मद्रास प्रोविंस के आसपास छोटी छोटी रियासतें हैं यूनाइटेड प्रोविंस है या बंगाल प्रोविंस अब आप कहो एक तरफ तो बंगाल प्रोविंस इतना बड़ा जो कि वायबल एडमिनिस्ट्रेशन है कौन क्योंकि जब वायबल एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यूज करता हूँ यानी कि इस क्षेत्र को चलाया जा सकता है क्योंकि पैसा भी है रिसोर्सेज भी हैं और प्रशासन की सही ढांचा है यहां पर लेकिन उसके बराबर में एक छोटा छोटा सा कोई प्रिंसल स्टेट था वो कह रहा है कि नहीं मैं भी अलग बनूंगा तो आप कंपेरिजन तो देख लीजिए राइट अगर मैं स्ट्रॉन्ग इससे बेटर है कि आप उसका पार्ट बन जाओ दूसरे प्रिंस दूसरा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था मतलब कि जो प्रिंस जो एक तरीके से प्रोविंस था आप उसका पार्ट बन जाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखो रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा वो आजाद भारत खुद तय करेगा तो ब्रिटिशर्स तो गए अब ब्रिटिशर्स का कोई इंटरवेंशन इसमें नहीं हो सकता ब्रिटिशर्स ने वो स्टेटमेंट पहले दी थी कि कैबिनेट अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक सफल इंक्लूसिव एक्सेप्टेबल टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ना बना पाई तो हम इंटरवीन करेंगे लेकिन स्टेटमेंट कब थी नाइनटीन फोर्टी सिक्स की स्टेटमेंट थी फोर्टी सेवन में क्लियरली जब इंडियडिपेंडेंस एक्ट साइन हुआ उन्होंने कहा वी आर एबजोल्विंग ऑल आर क्लेम्स एंड इंटरवेंशन वेन इट कम्स टू पोलिकल स्ट्रक्च ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो अब आपका uh, तो, तो हमसे कोई मतलब नहीं अब हम खुद देखेंगे कैसे चलेगा राइट right? तो ऐसे में उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखो ब्रिटिश प्रोविंस जो है पहले तो यह कहा गया तो ब्रिटिश प्रोविंस तो ऑटोमेटिक एक्सेशन होगा इंडियन यूनियन में इनको जो है अथॉरिटी दी गई थी कि भाई तुम्हें जो है कुछ ऑटोनॉमी दे, दे देंगे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यहां पर डिवीजन ऑफ पावर जरूर होगा लेकिन ऑटोनॉमी वो वाली नहीं होगी जो कैबिनेट मिशन का आइडिया था वो वाली नहीं होगी जो इंडियन जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव का आइडिया था ये बात बिल्कुल क्लियरली कर दी गई ठीक है यही बात मैंने आपको समझाई ठीक है क्लियर बात नाउ अब इसके बाद वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ये मैंने आपको बात बताई थी वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मतलब अगर ऐसा अगर हम स्टेट्स बनाएं तो स्टेट्स ऐसी बनाएं जो सफलतापूर्वक चल सकें राइट तो इसकी वजह से हमें री करना पड़ेगा तो ऐसे में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी इस तरीके से एक्चुअली डिवाइड की गई स्टेट्स एक तो वो स्टेट्स थी दो सो कि भाई अगर मान लीजिए अलग से कोई ब्रिटिश प्रोविंस था उसके आसपास छोटी छोटी कुछ रियासतें थी या फिर छोटे छोटे कोई एरियाज थे तो वी कैन एक्चुअली मर्ज दैन

छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड राइट और अभी भी कई जगह पर डिमांड्स का होना तो यानी कि अब हम इस वाले पार्ट से बहुत आगे आ चुके हैं ठीक है थीके? हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी डिमांड ऑफ द पीपल मतलब पॉलिटिकल यू कैन से वाइबिलिटी एज वेल उस बिहाफ पर हमने ये फैसला लिया तो एक बात हमने क्लियर कर दी आर्टिकल वन टू थ्री फोर में बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया इज एन इंडस्ट्रिक्टेबल यूनियन तो इंटीग्रिटी कम्स फर्स्ट इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे एरिया थे इन सबको पार्ट करके हमने जोड़ के फिर फाइनली क्या बनाया? इंडियन आ, यूनियन बनाया। तो इंडियन यूनियन यूनियन तो में अब केवल दो ही स्टेटस स्टेट या तो आप स्टेट हैं या फिर आप यूटी हैं यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी हालांकि ऐसा भी हुआ है पास्ट में कुछ एरियाज यूटी थे बाद में उनको स्टेट बनाया गया जैसे कि गोवा राइट तो आई थिंक अब आपको बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हुआ होगा राइट अब जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए

विद विद एग्जाम्पल्स यानी कि हमें मार्क्स कमाने हैं तो केवल ये नहीं बताना ये आउटस्टैंडिंग फीचर है हमें बताना है वो आउटस्टैंडिंग फीचर क्यों है साथ में हमें वो प्रोविजन भी कोट करना है ठीक है प्रिंसिपल एंड प्रोविजन का दोनों का मिक्सचर रखना है क्लियर है उससे आपके आंसर में डेप्थ आएगी तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए ख्याल रखिए अगर बिल्कुल क्लियर हो गया हो आज का लेक्चर मेंशन अल्ट्रा क्लियर और जो लोग अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या सिबलिंग्स हैं तो न, उनको एडवाइस कीजिए स्टडी आई क्यू फाउंडेशन कोर्स जी एस फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कवरेज एवरी थिंग और क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी का बेस्ट मिक्स आपको स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाना है त्यागी लाइव ये कोड यूज़ करना है एंड यू आर गोइंग टू हैव मैक्सिमम डिस्काउंट जो वहाँ पर शो हो रहा है ना उसके बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बाई यूजिंग दिस कोड वो अप्लाई कोड कूपन वाला ऑप्शन आएगा वहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा ठीक है और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल वो भी बैच थ्री स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम बेसिक्स टू डेप्थ विद ईज अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद इन क्लास चलिए फिर मिलते हैं ख्याल रखिए